हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बर्बी स्टार्स वर्ल्ड। तो आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छी हूँ। तो मैंने कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाला था कि हाउ टू मेक अ स्मॉल डॉल हाउस फॉर बार्बी डॉल्स, और मैंने ऑप्शन दिया था, मतलब कि आपसे मैंने पूछा था कि ये वाला वीडियो लाऊं बनाऊं, तो मैंने ऑप्शन दे दिया था यस, ओके और नो। तो इसमें ही ज़्यादा वोट्स आए हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर चली आई हूँ हाउ टू मेक अ स्मॉल हाउस फॉर बार्बी डॉल्स। एंड मुझे कमेंट आया था कि बार्बी डॉल का होम टूर लाने के लिए, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आज की वीडियो में मैं जस्ट आपको छोटा सा एक रूम टूर तो आपको वैसे ही मिल जाएगा, क्योंकि मैं हाउस बनाऊंगी तो एक बार तो अच्छे से दिखा दूंगी ना कि मैंने क्या क्या रखा है, कैसे बनाया है। तो आपको एक छोटा मोटा तो रूम टूर मतलब कि मिल जाएगा। एंड ये हाउस मैं जस्ट टेम्पररी बना रही थी ऐसे ही। ओके, तो चलिए बिना किसी बकवास के, बहुत बकबक कर ली मैंने, तो चलिए अभी बिना किसी बकवास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, डॉल हाउस बनाने के लिए मैंने जो ये जगह लिया है, ये मेरी घर की जस्ट एक खिड़की वाला पार्ट है, यहाँ पे विंडो है एंड जस्ट ये वाला मैंने एक पार्ट ले लिया है। एंड इस टू साइड में मैंने इसे जस्ट कार्डबोर्ड कट करके उस पर पेपर लगा के जस्ट लगा दिया। इस साइड मैंने लगाया है एंड इस साइड भी एक लगाया है। एंड इसके ही बीच वाले एरिया में बनाऊँगी मेरा डॉल का हाउस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो गाइस, फर्स्ट में इस वाले एरिया में मैं लगा मतलब कि रखूँगी बेड, तो चलिए बेड लाते हैं। सो गाइस, ये देखिए वो वाला बेड जो मैं रखूँगी। तो मैंने इसको जब बनाया था तो मैंने वीडियो बनाया था एंड वो मेरे चैनल पर भी है, तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो पहले आप इस वाले वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद जा कर के आप वो वाला वीडियो भी देख लेना, ठीक है। एंड ये मतलब कि अल्ट्रा बिग बेड है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा बेड है, ये देख सकते हैं। तो इसको मैं अभी यहाँ पर लगाऊंगी कुछ इस तरीके से। तो मैंने इसको लगा दिया है। सो अभी मैं इस वाले अलमीरी को इस मतलब कि बेड के ठीक बगल में लगा दूंगी, इस जगह पर कुछ इस तरीके से। तो इसको हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो नेक्स्ट हम लगाएंगे इसको। ये मैंने एक सोफ़ा टाइप का बनाया था, इसमें तीन क्यूटी पिलोज भी हैं, तो मैंने इसको यहाँ पर सेट करूँगी भी कुछ इस तरीके से। तो गाइस, ठीक इसी के बगल में मैं इसको रखूँगी। तो ये क्यूब है, रूबिक क्यूब, तो इसको मैंने एज अ टेबल यूज़ किया है, तो मैं इसको ठीक इसके बगल में ही रख दूँगी। एंड इसके ऊपर मैं ये वाला एक न्यूज़पेपर रखूँगी, डॉल्स की छोटी सी न्यूज़पेपर। एंड रहेगा एक चॉकलेट का जार, ये देखिए चॉकलेट, इसको रख दूँगी यहाँ पे। ओके, तो गाइस अभी मैं ठीक बेड के इस साइड में बगल में मैं रखूँगी डॉल की ड्रेसिंग टेबल, से चलिए लाते हैं। सो ये देखिए हमने रख दिया है इसको। एंड इसके ऊपर रहेगा ये वाला ड्रॉर, क्योंकि इसको रखने का ज़्यादा जगह नहीं मिलेगा बाद में, इसलिए यहाँ पर मैं रख दूँगी इसको। अरे यार, मैं भी ना, मैंने इस ड्रेसिंग टेबल के ऊपर एक कॉम है, दो ईयर रिंग्स हैं और एक नेकलेस है। एंड और एक चीज़ रहेगा, वो है ये अलार्म क्लॉक। ये बहुत ही क्यूट सा एंड बहुत ही पुराना अलार्म क्लॉक है, मतलब कि इसको मैंने बहुत दिन पहले बनाया, अभी भी ये है मेरे पास। वैसे ये काफ़ी सारे चीज़ इनमें से बहुत दिन पुराना है, जैसे कि दिस वन एंड दिस वन। ओके, तो चलिए सो इसको भी मैं यहाँ पे रख दूँगी। एंड यहाँ पे मैं मिरर बाद में बना लूँगी, अभी टाइम नहीं है। गाइस, मैं वीडियो बना रही थी और अभी बारिश आ गई है। अरे यार, चलिए चलते हैं। तो गाइस, आपको सुनाई दे रहा है ना कितनी ज़ोर से बारिश आ गई है और धीरे धीरे बढ़ रहा है। ओके, तो गाइस यहाँ पे रहेगा इन बार्बी डॉल्स के एक ऐसा किचन टाइप का, मतलब कि एक पूरा एकदम से सेट जो कि मैंने बनाया था अपने हाथों से। अच्छा सॉरी, तो यहाँ पे मैंने रख दिया है, यहाँ पे कुछ है पता नहीं क्या है। ओ शिट, बारिश रुक भी गई। मतलब कि 10 सेकंड के लिए हुआ होगा बारिश, अभी रुक गई। तो ओके, तो इस यहाँ पे दो चम्मच है और यहाँ पे और एक था, पता नहीं कहाँ गया। ये देखिए मिल गया है, तो मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ। हो गया,
तो चलिए, तो ठीक इसके बाजू में ही रहेगा ये वाला, ठीक है। तो इसको हम रख देते हैं यहाँ पे थोड़ा सामने करके। हाँ तो गाइस, अभी इसके पीछे रहेगा ये वाला झाड़ू यहाँ पर, एंड ये पता नहीं क्या है, जो भी है यहाँ पे रहेगा ये। तो गाइस, अभी इस साइड रहेगा ये वाला एक बेड, तो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। ये थोड़ा छोटा बेड है, ओके, एंड यहाँ इसके ऊपर एक पिलो भी है क्यूट सा, तो रख देते हैं। एंड इस बेड के ऊपर एक लैपटॉप रहेगा, एप्पल वाला है, ₹2 की एप्पल वाला लैपटॉप। तो गाइस, अभी ये वाला जो आपको दिख रहा है ना सूटकेस, वो रहेगा यहाँ पे, ओके। यहाँ पे कुछ तो था, क्या था मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ जी, अभी अब याद आया, इसके अंदर मतलब कि यहाँ पे ये था, इसके अंदर डॉल्स के हेयर बैंड, क्लिप्स एंड बहुत कुछ है। तो इसको यहाँ पे रख देते हैं। तो गाइस, अभी इस फ्रिज को मैं यहाँ पे रख दूँगी, इसको थोड़ा साइड करके, इसको साइड करके, एंड इसको फ्रिज को यहाँ पे रख दूँगी, ओके। सो मैंने रख दिया है फ्रिज को। गाइस, ये है एक छोटू सा सोफ़ा जिसको मैं ठीक यहाँ पर रख दूँगी, ठीक है। और ये एक छोटा सा टूल जिसमें बैठ के हमारी बार्बी डॉल्स यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल में, मतलब कि यहाँ पे बैठ के वो ड्रेसिंग टेबल में मेकअप वगैरह करते हैं, जो भी हो, ठीक है। तो गाइज, ये है एक रैग, शू रैग, ये रहेगा यहाँ पर, एंड इसके ऊपर कुछ है यहाँ पे, और एक चीज़ रहता है यहाँ पे जो है चश्मा, मैं बाद में ठीक से रख दूँगी, ठीक है। तो गाइस, ये रहेगा यहाँ पे, इसके इसमें डॉल के बहुत सारे बैग्स वगैरह हैं। नेक्स्ट डॉल के मतलब कि चेल्सी और रोजी के टॉयज हैं यहाँ पे, एंड ये भी उनका एक टॉय है जो कि निंजा हत्तारी, ओके। तो ये भी रहेगा यहाँ पर। तो गाइस, ये है एक डिब्बा जो कि खुल गया, तो ये है एक डिब्बा जिसमें चेल्सी रोजी के कुछ कपड़े वगैरह रखे हुए हैं, तो इसको मैं अलमीरे के ऊपर रख दूँगी। ये है चेल्सी रोजी के स्कूल बैग्स, तो मैं इसको बाद में ठीक से रख दूंगी, अभी मैं इसको ऐसे ही रख देती हूँ। तो ये है इन लोगों का एक शॉपिंग बैग, शॉपिंग बैग मीन्स जब ये बाज़ार जाते हैं ना सब्जी वगैरह खरीदने के लिए, तो तब इसको ले जाते हैं यार, तो इसको मैं यहाँ पर रख दूंगी। लो, फिर से बारिश आ गई, पागल है ये बारिश, पता नहीं कब आ रही है एक बार, जा रही है एक बार, सच में। हाँ जी गाइस, तो लास्ट में बच गया ये दोनों बड़े बड़े बैग, जो मतलब कि जिसको मुझे रखने का जगह नहीं मिल रहा। तो मैं अब क्या करूँगी बताइए, तो क्या करूँगी मैं, अब करूँगी देसी जुगाड़, ओके। तो देखते रहिए मैं क्या करती हूँ। तो मैं अपनी देसी जुगाड़ो टेक्निक से इसको, एक बैग को मैं अलमीरे के पीछे रख दूँगी, और दूसरी वाली बैग को मैं इस वॉल के पीछे रख दूंगी। घुस जा, घुस जा, घुस जा, घुस जा, घुस जा। हो गया मेरा देसी जुगार, ओके। एक टेडी बच गया जिसको मैं बेड पर रख दूंगी, ठीक है। तो गाइज आज मैंने सिर्फ इसका किचन और ये सभी बनाया, तो बाथरूम मैंने अभी तक नहीं बनाया है, एंड बाथरूम मैं बाद में बना लूँगी। बाथरूम बनाना तो मतलब कि कितना मतलब कि इजी है, बट मैंने एक बाथटब मेरे पास पहले से बनाया हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला बाथटब मैंने पहले से बना रखा है, बहुत दिन पहले मैंने इसको बनाया था, एंड एक सिंक जैसा भी मैंने बना रखा है, तो मैं बाद में इनको यूज़ करके बाथरूम बना लूँगी। तो गाइज, यही रहा हमारा छोटा मोटा सा जुगारू डॉल हाउस, ओके। एकदम मतलब कि कुछ भी नहीं, जस्ट सिंपल के अंदर मैंने ये डॉल हाउस बना ली, जो कि आप बहुत ही ईजीली बना सकते हैं, ठीक है। एंड इनमें से ज़्यादातर चीज़ें ही DIY है, जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है, ठीक है। तो आप बहुत ही इजी तरीके से सेम बना सकते हैं मेरी जैसी। तो आपको आज का हमारा ये डॉल हाउस कैसा लगा वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने वो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जिनको बार्बी डॉल्स की वीडियोज़ वगैरह पसंद है, ओके।
एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम रोज़ाना बार्बी डॉल के वीडियोस अपलोड करते हैं हमारे चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर एंड घंटी बजा दीजिएगा एंड ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर से डॉल हाउस दिखा देती हूँ। आपने देख लिया, तो जो जो करने को बोला कर देना, ठीक है, और लाइक ज़रूर कर देना, चैनल का सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइस मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड आपको कैसी वीडियोस चाहिए, कैसी वीडियोस आपको पसंद है, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर वैसी वीडियोज़ बनाऊँगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।